डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर फिर से दमदार वापसी की है और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को कड़े मुकाबले में हराकर जीत हासिल की है। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और इस जीत को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब इस जीत के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे तो आखिर उनकी सैलरी कितनी होगी? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति को हर साल $4,00,000 की सैलरी मिलती है। वर्तमान में अगर आप इस रकम को रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब करीब 3.36 करोड़ रुपए। इसके अलावा वहां के राष्ट्रपति को अतिरिक्त खर्च के लिए $50,000 यानी कि $42,00,000 रुपए भी मिलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस होता है, जो दुनिया की सबसे सेफ जगह मानी जाती है। जैसे ही कोई राष्ट्रपति इस व्हाइट हाउस में आता है तो उसे $1,00,000 की रकम दी जाती है, जो करीब करीब $84,00,000 रुपए है। वहीं इस घर को वो अपने पसंद के हिसाब से पेंट या फिर इसका इंटीरियर भी करवा सकते हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति को स्टाफ, कुक और एंटरटेनमेंट के लिए सालाना $19,000 का भुगतान भी किया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं भी राष्ट्रपति और उनके परिवार को निःशुल्क दी जाती हैं। आपको बताते चले कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा दुनिया की सबसे तगड़ी और चाक चौबंद सुरक्षा मानी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में वहां के लोकप्रिय सीक्रेट सर्विस के एजेंट शामिल होते हैं, यहां तक कि FBI और मरीन कमांडो भी शामिल होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को दौरों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान मुहैया कराया जाता है और इसका नाम एयरफोर्स वन है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान में ऑफिस के साथ मीटिंग रूम और बेडरूम भी हैं। यहाँ से वो रोजाना की तरह अपने डेली वर्क निपटा सकते हैं। इस विमान में करीब एक साथ 100 लोग यात्रा कर सकते हैं।